नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। और आज से रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स आपके लिए लॉन्च हुआ है। बिल्कुल बेसिक से हर एक एग्ज़ाम को हम टारगेट करेंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो। एक बार आप अपना टारगेट बता दो, फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि किस तरीके से आपको चलना होगा और किस तरीके से आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा आपके एग्ज़ाम का टारगेट कोई भी हो, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से और बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं इस बैच के लिए बड़ा एक्साइटेड हूं, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश मैथ रीजनिंग तीनों का शुरू हुआ है और बड़ी डिटेल में चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। फाउंडेशन कोर्स का मतलब आपकी नींव मजबूत करना है, फिर मंजिल कितनी भी बड़ी हो आप जरूर उस मंजिल तक जाओगे, क्योंकि अगर आपकी नींव मजबूत है तो मंजिल से ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। फिर बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, चाहे आप एसएससी, चाहे आप आरआरबी, चाहे आप सीजीएल, चाहे आप किसी भी एग्जाम की क्यों नहीं प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्जाम का फोकस रहेगा। तो इस बैच के लिए बहुत बच्चे वेट कर रहे थे और मैं भी बहुत एक्साइटेड था, बहुत। और रेगुलर क्लास चलेगी, लेकिन आपको रेगुलर रात को 10 बजे लाइव रहना होगा। इसी तरीके से इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है ऑलरेडी शाम को 8:30 बजे, और मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स आदित्य रंजन सर का चल रहा है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट शाम को 7 बजे। तो हर टीचर की आपको क्लास अटेंड करनी है, बस कंडीशन ये है कि आप डिटेल में पढ़ते रहो, सीखते रहो, बाकी काम हमारा है। तो ये जो अल्फाबेट टेस्ट एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, जैसे मैं ये समझूंगा कि आप मेरे से मुखर्जी नगर में ऑफलाइन पढ़ रहे हो, और उसी तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। इस फाउंडेशन कोर्स का पार्ट वन है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आपकी ये होती है कि YouTube वाले बच्चे ये चाहते हैं, कुछ मिसकंसेप्शन है जो आपके पहले दूर कर दूं। YouTube वाले बच्चे की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, एक क्लास में एक टॉपिक। इस तरीके से अगर मैं रीजनिंग के 50 टॉपिक की बात करूं तो आप तो 50 क्लास में सिलेबस चाहते हो, लेकिन डिटेल की अगर मैं बात करूं जिसमें से आपके पूरे के पूरे मार्क्स आए, अगर मैं उसकी बात करूं तो आपको पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर सारी सीखनी होगी। अलग से प्लेलिस्ट बनेगी, फाउंडेशन कोर्स बाय विक्रमजीत सर, रीजनिंग फाउंडेशन कोर्स, इस नाम से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसके पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर सारे के सारे आप देखोगे। आर यू रेडी? हर एक पार्ट का देखने का प्रॉमिस करते हो। रीजनिंग का पहला टॉपिक अल्फाबेट टेस्ट, क्यों? क्योंकि अल्फाबेट टेस्ट का बहुत जगह यूज मिलेगा, चाहे वो एनालॉजी हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, क्लासिफिकेशन हो, या अल्फाबेट टेस्ट खुद अपने आप में एक टॉपिक है उसकी बात करें। अल्फाबेट टेस्ट से 1, 2, 3 क्वेश्चन आएंगे, बट कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी, क्लासिफिकेशन में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, एनालॉजी में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। रीजनिंग में सबसे पहले आपको 1 से 26 तक, ए से लेकर के जेड तक आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए, जैसे ए पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, डी चौथे नंबर पे, अप टू एक्स वाई जेड, ये 24, ये 25, ये 26 नंबर पे आपने बुक्स में पढ़ा होगा या किसी टीचर से पढ़ा होगा। इजोटी यही सिखाते हैं हर कोई, पूरे मुखर्जी नगर लगा लो, चाहे पूरे ऑल ओवर इंडिया लगा लो, इजोटी 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 सिखाते हैं। 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर। लेकिन मेरे पास आने का क्या फायदा अगर मैं भी यही सिखाऊं तो? इजोटी का 5-5 का गैप है, लेकिन हम इजोटी का यूज नहीं करेंगे, हम इजोटी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है? इजोटी के बगैर सारी की सारी नंबरिंग आपको याद करा दूंगा, और अगले 10 मिनट तक इस तरीके से याद कराऊंगा कि बुढ़ापे तक आप भूल नहीं पाओगे, बुढ़ापे में भी आपको नंबरिंग याद रहेगी, ठीक है? बताऊंगा 007 आपके इस कमेंट का भी जवाब दूंगा। तो सबसे पहले 2 टाइप की नंबरिंग है, चाहे रैंकिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे सिटिंग हो। आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा और आपका राइट राइट रहेगा, आपका बायां बायां और आपका दायां दायां, ठीक है? लेफ्ट से मतलब ए से लेकर के जेड तक,
और राइट से मतलब जेड से लेकर के ए तक। मान लो उसने लेफ्ट से 8th नंबर पूछा या लेफ्ट से 13th नंबर पूछा या लेफ्ट से 18th नंबर पूछा, बाएं से 8वां, बाएं से 13वां, बाएं से 18वां, तो इजोटी का यूज करेंगे। अभी थोड़ी देर में इजोटी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। इजोटी का यूज करेंगे, 8 नंबर पे क्या होगा, ई 5 नंबर पे है तो एफ जी एच, 8 नंबर पे क्या होगा एच, जे 10 पे है के एल एम, 13 नंबर पे क्या होगा एम, ओ 15 पे है पी क्यू आर, 18 नंबर पे क्या होगा आर। एक बार मैं आप सबसे इतनी एक्सपेक्टेशन तो चाहता हूं कि फाउंडेशन बैच आपके लिए लॉन्च किया बिल्कुल बेसिक से, जीरो से हीरो बनाने के लिए, पूरे के पूरे मार्क्स दिलाने के लिए, आप एक बार व्हाट्सएप स्टेटस या व्हाट्सएप ग्रुप में इस क्लास को शेयर करो, ये आपसे रिक्वेस्ट है, और लाइक पे क्लिक करो जल्दी से। मान लो उसने आपको राइट से पता करना है यही नंबरिंग, राइट से 8th, राइट से 13th या राइट से 18th, हमें दाएं से मतलब जेड से, दाएं से मतलब जेड से नंबरिंग याद नहीं है और याद करने की जरूरत भी नहीं है, नंबरिंग याद नहीं है और ना याद करने की जरूरत भी नहीं है। n प्लस 1 से माइनस कर देंगे, 26 लेटर होते हैं, n प्लस 1 से माइनस किया जाता है, 26 प्लस 1 27, 27 में से 8 चले गए, 27 में से 8 चले गए 19, 19 पे क्या होगा s, यही s पीछे से 8वें नंबर पे, शुरुआत से 19 नंबर पे है। द सेम थिंग 27 में से 13 गए, 27 में से 13 गए 14, 14 नंबर पे क्या होगा n, यही n पीछे से 13 नंबर पे है। द सेम थिंग 27 में से 18 गए 9, और 9 पे i होगा, यही i पीछे से 18 नंबर पे है, यही i पीछे से 18 नंबर पे है। तो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि बुक ऑर्डर की है, आप बच्चे बुक का बड़ा जबरदस्त रेस्पॉन्स दिया, प्री ऑर्डर मैंने लगाया, प्री ऑर्डर का मतलब होता है प्रिंटिंग से पहले, प्रिंटिंग पे बुक गई हुई है, प्रिंटिंग से पहले ऑर्डर लगाया मतलब कम पैसे में, मतलब सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट आपसे ली है, ठीक है। तो अभी 2 से 3 दिन में प्रिंट होकर के मेरे पास आ जाएगी और 2 से 3 दिन में आपके पास डिलीवर हो जाएगी। दिवाली से पहले मेरी तरफ से दिवाली गिफ्ट आपको मिल चुका होगा, मेरी रीजनिंग गुरु बुक, जो सीरीज 2018 के बाद की ही बुक है, 2018-19-20 के ही क्वेश्चन है। और सबसे खास बात, 1 महीने पहले जो पेपर हुए हैं अगस्त में सीजीएल और सीएचएसएल के, वो क्वेश्चन किसी भी बुक में मार्केट में नहीं आए हैं, वो क्वेश्चन उस बुक में डाल दिए हैं, सबसे लेटेस्ट बुक आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आप परचेज कर सकते हो, दिवाली से पहले आपके पास पहुंच जाएगी, प्री ऑर्डर कम पैसे में है, बाद में ज्यादा पैसे में आएगा। अब सुनो, शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, मैं ये समझूंगा कि आप बिल्कुल जीरो, आपको अगर रीजनिंग आती है तो ये आपका वहम है, 50 में से 50 आते हैं तो भी आपके लिए एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। चलो दोबारा एक बार बता रहा हूं, एल 8 नंबर पे है, ई 5 पे है, एफ जी एच, एल 13, लेफ्ट से 13, लेफ्ट से बाएं से 13, जे 10 नंबर पे, के एल एम, लेफ्ट से 18, ओ 15 पे, पी क्यू आर, राइट से अगर नंबरिंग बात करूं तो 27 में से 8 गए 19, राइट से अगर नंबरिंग पता करें तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए n प्लस 1 से माइनस किया जाता है, 27 में से माइनस किया जाता है। 007 पूछ रहे हैं कि कैट के लिए भी हेल्पफुल होगा क्या, देखो बच्चे सबसे एडवांस लेवल का एग्जाम होता है SBI PO, SBI PO से भी ऊपर लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बैंकिंग के जो चैप्टर होंगे वो SBI PO से भी ऊपर के लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट SBI PO का मतलब ये है कि हम कैट की जो बहुत हाई लेवल, मैंने खुद कैट की प्रिपरेशन की है और 99% मेरी रही थी और अच्छा कॉलेज भी मिला था, बट कैट की रीजनिंग मैं जानता हूं, इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दूं, मतलब कैट की सीजीएल वालों को नहीं पढ़ाऊंगा, हाई लेवल की करेंगे SBI PO लेवल तक, ठीक है। चलो पजल टॉपिक सब सारी टॉपिक कराऊंगा, अब बात करते हैं हम इजोटी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हर जगह बताया जाता है, तो फिर रीजनिंग गुरु के पास आने का क्या फायदा, तो बेसिक से सीखते हैं। रेडी हो अगले 10 मिनट तक जिस तरीके से मैं इमेजिन करवाऊं उस तरीके से आप इमेजिन करना, एक बार इमेजिनेशन माइंड में फिट हुई तो बुढ़ापे तक नहीं भूल पाओगे। लेकिन इस बैच को मैं बिल्कुल ये नहीं समझूंगा कि आप क्या चाहते हो, इस बैच को मैं ये समझूंगा कि मैं क्या चाहता हूं,
जिससे कि आपका स्कोर पूरा का पूरा आए। आर यू रेडी? चलो अब नंबरिंग याद करते हैं। हर लेटर खुद ही बता देगा कि वो कितने नंबर पे है, हर एक लेटर खुद ही बता देगा कि वो कितने नंबर पे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगा, जवाब देना, मैंने कहा था मैं ये समझूंगा कि मुखर्जी नगर की तरह आप मेरे सामने बैठे हो, तो मुखर्जी नगर की तरह मेरे सामने बैठे हो तो सामने वाले बच्चों से मैं पूछता हूं और वो जवाब देते हैं, तो जो जो मैं पूछता जाऊं उसका जवाब देते जाना। चलो जैसे हर एक लेटर खुद ही बता देगा कि वो कितने नंबर पे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जी, जी में ये क्या दिखाई दे रहा है, जी में ये क्या दिखाई दे रहा है, सात दिखाई दे रहा है, मतलब ये सात नंबर पे है। जी में ये सात दिखाई दे रहा है, मतलब ये सात नंबर पे है। द सेम थिंग एच, एच को अगर मैं यहां से कनेक्ट कर दूं तो एच आठ के तरीके से बना, और एच आठ के तरीके से बना यानी कि ये आठ नंबर पे है। एच आठ के तरीके से बना मतलब ये आठ नंबर पे है। द सेम थिंग अगर मैं आर, आर को भी अगर मैं यहां से कनेक्ट कर दूं तो ये भी आठ के तरीके से बना, ये भी आठ के तरीके से बना, और आठ के तरीके से बना मतलब ये अठारह नंबर पे है। आठ के तरीके से बना मतलब ये अठारह नंबर पे है। अगर मैं एम को पलट करके इस तरफ रख दूं, अगर मैं एम को पलट करके इस तरफ रखूं तो एम पलट करके तीन बना, और तीन बना मतलब ये तेरह नंबर पे है। एम को पलट करके इस तरफ रखा तो ये तीन बना, और तीन बना मतलब ये तेरह नंबर पे है। डब्ल्यू को भी पलट करके इस तरफ रखा तो फिर से ये तीन बना, और तीन बना मतलब ये तेईस नंबर पे है। ठीक, डब्ल्यू को भी पलट करके अगर देखा तो तीन बना, और तीन बना मतलब ये तेईस नंबर पे है। एक बार सारे बच्चे जवाब देंगे, सारे बच्चे कमेंट करेंगे जी कितने नंबर पे। ऑफलाइन की तरह हुटिंग करो अपने कमरे में और अपने घर पे जामी पड़ रहे हो, इसको हटा दिया। बताओ जी क्या दिखाई दे रहा है, सात दिखाई दे रहा मतलब सात नंबर पे। एच आठ दिखाई दे रहा मतलब आठ नंबर पे। आर आठ दिखाई दिया मतलब अठारह नंबर पे, माइंड में आठ दिखना चाहिए। आर आठ दिखाई दिया मतलब अठारह नंबर पे। एम तीन दिखाई दिया मतलब तेरह नंबर पे है। डब्ल्यू तीन दिखाई दिया मतलब तेईस नंबर पे है। क्लियर हुआ? एल में कितनी लाइन है, एल में कितनी लाइन है, दो। एल में कितनी लाइन है, दो। दो लाइन मतलब बारह नंबर। वी में कितनी लाइन है, वी में कितनी लाइन है, दो। दो मतलब बाईस नंबर। एल में कितनी लाइन है, दो मतलब बारह नंबर। वी में कितनी लाइन है, दो मतलब बाईस नंबर। सारे एक बार फिर से जवाब देंगे, मिटा देते हैं इसको। सारे जवाब देना, लाइफ टाइम याद रखना है तो बुढ़ापे तक। बोलो जी, अरे सारे बोलो जी, सात। एच मेरे बोलने से पहले आठ। आर सारे बोलो अठारह। एम सारे बोलो तेरह। डब्ल्यू फिर से सारे बोलो तेईस। एल दो लाइन बारह। वी दो लाइन बाईस। चाहे मैं दस बार बुलवाऊ दस बार बोलना, क्योंकि बुढ़ापे तक दोबारा नहीं पढ़ना है, एक बार सीखना है बस। उसके बाद मान लो दो बड़े बड़े रबड़ यहां से बने हुए हैं, दो बड़े बड़े रबड़ यहां से बने हुए हैं, एक रबड़ यहां से और एक रबड़ यहां से। इस रबड़ को खींच करके मैंने यहां बांध दिया। जैसे मैंने इस रबड़ को खींच करके यहां बांधा तो ये क्या बन गया, के बन गया। जैसे मैंने इस रबड़ को खींच करके यहां बांधा तो क्या बन गया, के बन गया। और अगर मैं इस रबड़ को वापिस से खोल दूं तो ये पूरी तिरछी लाइन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। आपके माइंड में तिरछी लाइन इस तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देनी चाहिए। के क्या दिखाई दे रहा है, ग्यारह दिखाई दे रहा है, मतलब ये ग्यारह नंबर पे है। या फिर एक टीम का नाम सुना होगा, किंग्स इलेवन पंजाब, किंग्स इलेवन पंजाब। के मतलब किंग्स, इलेवन मतलब ग्यारह। आईपीएल तो देखते होंगे, ऑब्वियसली देखते हैं। किंग्स इलेवन पंजाब के मतलब 11 नंबर पे है। बताना एक बार सारे, जितनी बार पूछो उतना बार बताना। आज के बाद दोबारा जिंदगी में ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग में बड़ी काम आएगी। बताओ जी, सारे बताओ जी। हाँ बिल्कुल सही कमेंट, साथ। एच आठ, आर आठ दिखाई दिया अठारह, ठीक। एम तीन दिखाई दिया तेरा। डब्ल्यू फिर तीन दिखाई दिया तेईस। एल दो लाइन दिखाई दी बारह। वी दो लाइन दिखाई दी बाईस। के किंग्स इलेवन पंजाब ग्यारह। दो लेटर ऐसे हैं जिनकी कोई
इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन सबसे जल्दी आंसर आप उन्हीं का दोगे, सबसे जल्दी आंसर आप उन्हीं का दोगे। आपने पंजाबी सॉन्ग सुने होंगे और पंजाबी सॉन्ग्स के अंदर एक वर्ड सबसे ज्यादा सुना होगा, सेक्टर 17। एक्चुअल में सेक्टर 17 को पंजाबी लैंग्वेज में सेक्टर 17 बोलते हैं, सेक्टर 17 को सेक्टर 17 बोलते हैं। अपन लोग गए सेक्टर 17 में, घूमे फिरे, क्योंकि सेक्टर 17 बहुत फेमस है, सेक्टर 17 घूमने लायक है, सेक्टर 17 देखने लायक है। अपन लोग गए, घूमे फिरे सेक्टर 17 में, परांठे वरांठे खाए, कुछ लोगों को देखा जिनको आप देखते रहते हो, हंसी आए तो हंसी की स्माइली भेज देना। फिर मैंने आपसे पूछा कि सेक्टर 17 में क्यों जाना है, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, मैंने क्या पूछा, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, मैंने क्या पूछा, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, क्या पूछा, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, क्यों, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, सेक्टर 17 में क्यों जाना है। या फिर बचपन से लेकर के आज तक एक ही चीज पढ़ते आए हो, क्यू मींस क्वीन और मेरी रानी 17 साल की, सेक्टर 17 में क्यों जाना है। दूसरा, यू मतलब यू, ये यू और ये यू सेम ही तो होता था कॉलेज लाइफ में, इस यू की जगह इस यू का यूज करते थे जब लिखते थे आई डैश यू, यू मतलब यू, यू मतलब आप। आप आज से अपनी उम्र 21 मान लेना, मान लेना है तो 35 प्लस, बट मान लेना, यू मतलब यू, यू मतलब आप, आपकी उम्र 21 मतलब यू, यू आप अपना नंबर तो याद रख ही सकते हो, 21। सेक्टर 17 में क्यों जाना है, मेरी क्वीन 17 साल की, ये ज्यादा याद रखोगे। बताओ तो एक बार सारे जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक द सेशन, बताओ सारे नारे लगाना, मेरे तक आवाज आनी चाहिए, जी सारे बोलो, अपने घर में भी बोलना शुरू कर दो, जी कमेंट 7, एच 8, आर 18, एल 12, वी 22, एम 13, डब्ल्यू 23, के किंग्स 11 पंजाब 11, क्यू सेक्टर 17 में क्यों जाना है 17, यू यू 21, आई डैश यू 21, ठीक है। उसके बाद दो लेटर ऐसे हैं जिनकी इमेजिनेशन भी सेम है और उनकी नंबरिंग भी सेम है, जैसे ये नंबरिंग में क्या दिखाई दे रहा है, नो, और लेटर्स में क्या दिखाई दे रहा है, आए, आए तो खुद ही नो के तरीके से बोल रहा है, ये तो खुद ही बोल रहा है कि मैं नो नंबर पे हूं, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है मैं नो नंबर पे हूं। या फिर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश जब करते थे तब आप एक लाइन सबसे ज्यादा बोलते थे, आई डोंट नो, आप तो आई डोंट नो ही तो बोलते थे, कुछ जानते वानते तो थे नहीं, बट कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करते थे जो आप नहीं थे, जो हर बात पे पता नहीं कहां से इतनी नॉलेज लेके आते थे, हर बात पे बोला करते थे मैं जानता हूं आई नो, 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 मैं जानता हूं आई नो। दूसरा, एस की भी नंबरिंग नो के तरीके से है, एस की भी नंबरिंग नो के तरीके से है, मतलब 19 नंबर पे है, एस की भी नंबरिंग नो के तरीके से है, मतलब 19 नंबर पे है, ऐसा मतलब 19 नंबर पे है, एस 19 नंबर पे। एक बार फिर से सारे जवाब दो, क्वेश्चन बाद में लेके आएंगे, पहले जवाब दो, क्वेश्चन कराएंगे, बताओ सारे, जी जितनी बार पूछो उतनी बार बताना, बुढ़ापे तक याद रखना है, जी बिल्कुल 7 दिखाई दे रहा, जी के ऊपर 7 ही दिख रहा है, एच मुझे तो 8 दिखाई दे रहा है, आर मुझे फिर से 8 दिखाई दे रहा है, मतलब 18 नंबर पे है, एम मुझे फिर से 3 दिखाई दिया, मतलब 13 नंबर पे है, डब्ल्यू मुझे फिर से 3 दिखाई दिया, मतलब 23 नंबर पे है, एल मुझे 2 लाइन दिखाई दी, मतलब 12 नंबर पे है, वी मुझे 2 लाइन दिखाई दी, मतलब 22 नंबर पे है, के मतलब किंग्स 11 पंजाब सुनाई दे रहा है मुझे, के मतलब 11 नंबर पे है, क्यू मतलब सेक्टर 17 में क्यों जाना है, मतलब 17 नंबर पे है, यू मतलब आप, यू मतलब 21 नंबर पे है। उसके बाद अभी जो इमेजिनेशन का आई थी, आई नो नंबर पे है, एस 19 नंबर पे है, लाइक द सेशन। उसके बाद
ठीक है, दो लेटर ऐसे हैं उनकी नंबरिंग भी सेम है एफ, और उनकी इमेजिनेशन भी सेम है। इसको पलट करके देखना, इसको पलट करके इमेजिन करना, पलट करके इमेजिन करो। इसको पलट करके इमेजिन किया, क्या दिखाई दिया, छह दिखाई दिया। इसको भी पलट करके इमेजिन करो, फिर से क्या दिखाई दिया, छह दिखाई दिया। पलट करके देखा, फिर से छह दिखाई दिया। पलट करके देखा, फिर से छह दिखाई दिया। मतलब ये 16 नंबर पे है। एफ को पलट करके इमेजिन करो, छह दिखाई दिया। पी को पलट करके इमेजिन करो और 16 दिखाई दिया। ठीक, नींद से उठाकर भी कोई पूछेगा तब भी बता देंगे हम, ऐसे ही तैयारी करना है आपको। बच्चे जब मैंने कदम रखा था मुखर्जी नगर में टीचिंग का, वो साल था 2012, और उससे पहले जितने भी रीजनिंग के टीचर थे वो सारे वही बुक्स के कंसेप्ट, वही ओल्ड कंसेप्ट, वही पुराने कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे थे। मुझे लगा, मैंने कैट की प्रिपरेशन की थी, मुझे लगा कि यार रीजनिंग में तो बच्चों को बहुत जरूरत है, अरे यार इन कंसेप्ट से तो इतना इतना टाइम लगेगा, इजोटी बच्चा काउंट ही करता रह जाएगा। फिर मैंने सारे चैप्टर्स में खुद के कंसेप्ट जनरेट किए, जिनका कॉपीराइट भी मेरे पास है, सारे कंसेप्ट पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट जनरेट किए, और जिस तरीके से फिर पढ़ाना स्टार्ट किया, बच्चों को ऐसे लेवल पे पसंद आया कि बड़े जबरदस्त तरीके से मुखर्जी नगर के बैच का रेस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ, क्योंकि बच्चों को डिफरेंट मिलना स्टार्ट हो गया। बच्चों को जैसे डिफरेंट मिलना स्टार्ट हुआ, इस वजह से ये जो रेस्पॉन्स है बच्चों का, ये आ पाया सिर्फ डिफरेंट कंसेप्ट के लिए, कि बैठने के लिए मुखर्जी नगर में जगह नहीं थी, इस तरीके से बैच चलना शुरू किए। सेम अब वही पूरे फाउंडेशन बैच में मैं आपको कराऊंगा, बस आपकी कंडीशन एक है, यूट्यूब वालों से एक चीज से बड़ा खफा रहता हूं मैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर की जगह चाहते हैं एक ही क्लास में सब हो जाए, फिर तो भाई एक क्लास में करवा जाऊंगा, नहीं करवाऊंगा। फाउंडेशन का मतलब है हर पार्ट को आप देखोगे, बोलो यस और नो। तो ये मंजर आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ, अब यही मंजर YouTube में आप लोगों के प्यार को की वजह से हो पाएगा। बताना एक बार, सारे नारे लगाना, सारे नारे लगाना जी। 7 नंबर एच, 8 नंबर आर, अरे 8 दिखाई दिया, 18 नंबर, अरे एम 3 दिखाई दिया, 13 नंबर, W फिर से 3 दिखाई दिया, 23 नंबर, L 2 लाइन है, 12 नंबर, V 2 लाइन है, 22 नंबर, K किंग्स इलेवन पंजाब, 11 नंबर, Q सेक्टर 17 में क्यों जाना है, 17 नंबर, U आपकी उम्र 21, उसके बाद I नो, अरे S 19, F उल्टा करके देखो 6 दिखाई दिया, P उल्टा करके देखो 16 दिखाई दिया, 6 दिखाई दिया मतलब 16 दिखाई दिया। जब मैंने इमेजिनेशन जनरेट की थी, जब मैंने कंसेप्ट बनाना शुरू किया था 2012 में, तब से लेकर के आज तक लाखों बच्चों के 50 में से 50 सीजीएल में और 100 में से 100 2017 में यूपीएसआई में और बैंकिंग में मेंस लेवल में भी, बड़े हर बैंक में आप जाओगे तो लेटेस्ट अगर जवान जवान पीओ दिखे तो उनसे पूछ के देख लेना कि रीजनिंग किससे पढ़ी थी, जवान जवान से भाई, बूढ़े से नहीं, कि लेटेस्ट मैक्सिमम सिलेक्शन, इस वजह से, क्योंकि लाइफ टाइम याद रखना है कंसेप्ट। उस वक्त जब मैंने इमेजिनेशन बनाई थी, उस वक्त मेरे माइंड में एन की इमेजिनेशन नहीं आई, लेकिन कुछ स्टूडेंट का मानना है, एन क्रेडिट गोज टू स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट का मानना है तो क्रेडिट भी उनका, एन 4 दिखाई दे रहा है और एन 4 दिखाई दे रहा है तो 14 नंबर। कुछ दूसरे स्टूडेंट का मानना है एन क्रेडिट फिर से स्टूडेंट को जाता है, क्योंकि स्टूडेंट का मानना है कि एन रोमन लैंग्वेज में 4 दिखाई दे रहा है, एन रोमन लैंग्वेज में 4 दिखाई दे रहा है, एन रोमन लैंग्वेज में 4 दिखाई दे रहा है, मतलब 14 नंबर। अरे जब इतने नंबरिंग मैंने याद करा दिए, एक आप याद कर लो, एन याद रख लेना 14 नंबर, बाकी जो लेटर है वो सबको याद है, बोलो यस और नो। इजोटी सबको पता है, 5, 10, 15, 20, 25। अब ये मत बोलना ए कितने नंबर पे, अरे भाई पहले नंबर पे क्यों दिमाग पे जोर दिया, बी पहले दूसरे नंबर पे क्यों दिमाग पे जोर दिया, ए बी सी डी तो वैसे ही काउंट हो जाएंगे, बीच में एकदम से जरूरत पड़ती है जैसे कोडिंग डिकोडिंग में, क्यों कितने नंबर पे बताओ, एकदम से जरूरत पड़ी ना, एग्जामिनेशन हॉल में काउंट करने का टाइम नहीं है भाई, सेकंडों में जवाब आना चाहिए, क्यों कितने नंबर पे है,
17 नंबर पे। सेकेंडों में जवाब आना चाहिए कि जी कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे, एच 8, आर 18, एम 13, डब्ल्यू 23, एल 12, वी 22, के 11, क्यू 17, यू 21, आई 9, एस 19, एफ 6, पी 16, एन 14। बोलो याद आया कि नहीं। मेरे से स्पीड में बोल सकते हो, मेरे से स्पीड में कमेंट कर सकते हो, देखते हैं, बोल के दिखाओ। जी 7, एच 8, आर 18, एम 13, डब्ल्यू 23, एल 12, वी 22, के 11, क्यू 17, यू 21, आई 9, एस 9, 19, एफ 6, पी 16, एन 14। अरे मेरे से पीछे रह गए यार, कैसे बनोगे रीजनिंग गुरु? ये पूरा दिमाग आपके फिट करना है, ठीक। चलो तो अब बात करते हैं इनका यूज कैसे होगा। कुछ मिसकंसेप्शन है उनको दूर कर देता हूं। पहला मिसकंसेप्शन, पहली क्लास में आप में से ये बताओ, सिलेक्शन लेने के लिए कौन कौन आया है? थम्स अप करो, सिलेक्शन लेने के लिए कौन कौन आया है? सिलेक्शन लेने के लिए कौन कौन आया है? आपसे अच्छा गुरु नहीं देखा आज तक, थैंक यू, नाइस टीचिंग, थैंक यू, मौज कर दी, थैंक यू। चलो ऑब्वियसली सारे आए हैं, लेकिन मैं मेरी हर पहली क्लास में एक चीज पूछता हूं, फर्स्ट रैंक के लिए कौन कौन आया है? हर पहली क्लास में जिक्र करता हूं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज पढ़ा चुका, लेकिन फाउंडेशन बैच मेरे पहली क्लास मान के चल रहा हूं मैं। हर पहली क्लास में फर्स्ट रैंक के लिए पूछता हूं, और कुछ बच्चों को जैसे ये सुनता हूं कि फर्स्ट रैंक के लिए कौन कौन आया है, हंसी आती है। कुछ बच्चों को इस बात पे इसलिए हंसी आती है, बोले सर फर्स्ट रैंक और मैं आज तक नहीं आया। लेकिन बच्चे ये बात मैंने क्यों पूछी, ये याद रखना, एक स्टोरी है मेरे साथ जो हुआ। कोटा में आईआईटी की प्रिपरेशन करने गया था, और आपकी तरह जैसे मैंने आपसे पूछा, मेरे गुरु ने मेरे से पूछा था कि इस फर्स्ट रैंक के लिए कौन कौन आया था। एक्चुअल में गुरु ने 1200 स्टूडेंट से पूछा था, और मैंने सोचा गुरु ने सिर्फ मेरे से पूछा है, और मैंने टारगेट बना लिया कि आईआईटी फर्स्ट रैंक, 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 और इस टारगेट को बना करके मैंने पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई शुरू की, और पढ़ाई शुरू कर दी। मैं फर्स्ट रैंक नहीं आया, लेकिन मुझे पढ़ने का तरीका मालूम चल गया, मुझे पढ़ने का कारण मालूम चल गया कि मेरी पढ़ाई क्यों हुई, क्योंकि मेरा टारगेट फर्स्ट था। यही बात मैंने आपसे पूछी, आज ही दिल में ठान लो कि मेरा टारगेट फर्स्ट रैंक है। अरे फर्स्ट रैंक के लिए टारगेट बनाओगे, नहीं भी आओगे, सेकंड तो आएगी, थर्ड तो आएगी, फोर्थ तो आओगे, टॉप 10 तो आ जाओगे, टॉप 100 में तो नाम आ ही जाएगा, 1000 में तो नाम दिख ही जाएगा, 4000 में तो नाम दिख ही जाएगा, 10000 वैकेंसी उनमें तो नाम दिख ही जाएगा। आप तो सिलेक्शन चाहते थे, फर्स्ट रैंक का टारगेट बनाओ, सिलेक्शन झक मार के आपके पीछे भागेगा। इसलिए मैंने ये बात आपसे शेयर की, आप आज से ठान लेना कि मेरी फर्स्ट रैंक टारगेट है। नहीं आए सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, फर्स्ट रैंक लेनी है उसके लिए मास्टर बनना है, और वही बनाने में आया हूं। चलो अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, मिसकंसेप्शन की बात कर लेता हूं। पहला कि रीजनिंग मुझे आती है, इसको बोल जाओ। अगर आपको आती है तो दूसरे कंसेप्ट से आती है, मेरे कंसेप्ट से नहीं आती। दूसरा मिसकंसेप्शन, रिवीजन कम करते हैं, क्लास नोट्स आपको 3 से 5 बार रिवाइज करना है और क्लास नोट्स बनाने हैं। तीसरा मिसकंसेप्शन, ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़े से कुछ टेस्ट में मार्क्स के आए, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, प्रैक्टिस करनी ही छोड़ दी। चौथा मिसकंसेप्शन, बेसिक क्वेश्चन को इग्नोर किया। अभी अभी एक बच्चे का मैं, जैसे आपको पता है रैंकस गुरुकुल जो ऑफलाइन चलता है, रैंकस गुरुकुल जिनमें मैं 85 बच्चों को रखता हूं, आदित्य सर, मैं, अनिल जादौन सर, सुनील जांगी सर, ये सब पढ़ाते हैं। तो वहां पर एक बच्चे के कैलेंडर का मैंने टेस्ट दिया, वहां पर टारगेट दिया जाता है और टारगेट में टेस्ट लिया जाता है, कैलेंडर का मैंने टेस्ट लिया, और एक बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट और उसके मार्क्स कम आए। वो बोला सर मैंने सारे एडवांस चैप्टर पढ़ लिए, बेसिक चैप्टर मुझे लगा कि ये तो हो ही जाएंगे, और मेरी सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हुआ कि मैंने बेसिक चैप्टर को इग्नोर कर दिया,
और मार्क्स कम आ गए। तो ये बेसिक को इग्नोर करना आपका सबसे बड़ा बेवकूफी है। लव यू अमनीत, लव यू भाई अमनीत कुमार। ठीक, तो बाकी मिसकंसेप्शन टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूंगा, गुरुकुल की गाइडेंस मैं आपको देता रहूंगा, बस आप फॉलो करते जाओ, डेली लाइव रहो बस। आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन, विच लेटर विल कम फोर टू द लेफ्ट ऑफ ट्वेल्थ फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से बारहवें अक्षर के बाएं चारवें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा। एक बात याद रखना बच्चे, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है माइनस, राइट राइट क्या होता है माइनस, लेफ्ट राइट क्या होता है प्लस, राइट लेफ्ट क्या होता है प्लस। रटने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस और सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस और सेम अगर दिखाई दे तो माइनस। बायां बायां दायां दायां माइनस और दायां बायां बायां दायां प्लस। और क्लास के लास्ट तक आप लाइव रहोगे, चाहे क्लास कितनी लंबी क्यों ना चले और कितने ही पार्ट्स में क्लास क्यों ना चले। ठीक है, ऑफलाइन बैठे हो आप, हॉल से बाहर नहीं निकल सकते मेरे। चलो, बायां बायां और दायां दायां सेम अगर दिखाई दे तो माइनस और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया, लाइक द सेशन। अब देखो, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बेसिक चीज समझा रहा हूं, जहां गलती करते हो सुनो। जैसे उसने बोला फोर्थ लेफ्ट ट्वेल्थ लेफ्ट, बाएं से बारहवां बाएं चौथा, फोर्थ लेफ्ट ट्वेल्थ लेफ्ट, बच्चे लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा माइनस, लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा माइनस। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट होगा भाई माइनस, बारह में से चार गए आठ, यहां लेफ्ट आएगा या राइट आएगा ये कैसे पता चलेगा, ध्यान से सुनो, यहां लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, ये बताएगा आपका क्वेश्चन। ये जो फ्रॉम लेफ्ट मैंने बोला है, ये जो फ्रॉम लेफ्ट मैंने बोला है, एक सेकेंड, ये जो फ्रॉम लेफ्ट मैंने बोला है, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम लेफ्ट जो मैंने बोला है ये इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट, इस बात को नोट डाउन कर लो, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, बाएं से मैंने जो बोला है, बाएं से मैंने जो बोला है, इसको लो नोट डाउन कर लो, बाएं से, बाएं से अगर दे रखा है तो बायां आएगा, फ्रॉम लेफ्ट अगर देखा दे रखा है तो लेफ्ट आएगा, दाएं से अगर दिखा दे रखा है तो दायां आएगा, फ्रॉम राइट अगर दे रखा है तो राइट आएगा। ये छोटी सी गलती लग रही है ना कि ये थोड़ी ना हमसे गलती होगी, अरे छोटी छोटी गलतियां ज्यादा होती हैं, 50 में से 50 नंबर लेने हैं। रीजनिंग में आपके कितने नंबर आएंगे बताओ सारे, हाँ बिल्कुल, देखो एट्थ लेफ्ट बोला, एट्थ लेफ्ट क्यों आया, क्योंकि बाएं से दे रखा है, फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, बच्चे फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, बाएं से दे रखा है, इस वजह से बाएं आया। अगर दाएं से होता तो यहां दाया आता, दाएं से अगर होता तो यहां दाया आता, फ्रॉम राइट अगर होता तो यहां राइट आता, फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है तो लेफ्ट होगा। एट्थ लेफ्ट, एट्थ लेफ्ट का नंबर क्या है एच, एट्थ लेफ्ट का नंबर क्या है एच। अगर यहां फ्रॉम राइट होता दाएं से होता तो पहले राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करते 27 में से माइनस करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट है तो लेफ्ट आए, और लेफ्ट मतलब एट्थ मतलब एच। यहां तक क्लियर और नोट। वीडियो पसंद आए तो लाइक सेशन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया यूट्यूब पे, तो सब कुछ पढ़ेंगे,
डिटेल में पढ़ेंगे, बट चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी। ये सब बोलना ना पड़े, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको ये समझ रहा हूं कि आप मुखर्जी नगर में ऑफलाइन पढ़ रहे हो, बिल्कुल ये समझ रहा हूं। इसीलिए एक एक चीज चार बार बता रहा हूं, 10 बार बताऊंगा, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, ढंग से समझाऊंगा। चलो, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस, दायां बायां डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस, और सेम अगर दिखाई दे तो माइनस। ठीक है, एट्थ लेफ्ट एच होगा, उसके बाद नेक्स्ट। इसका एक बार जवाब देना आप, क्या आंसर आया, फिर मुझे तो करवाना है ही, फिर भी आप जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। ठीक है, और व्हाट्सएप स्टेटस लगाते रहो भाई। जल्दी से जवाब दो। और सुबह वो कैब की क्लास चल रही है और 8 बजे, और सुबह सुबह वो कैब ही पढ़नी चाहिए। रैंकर्स गुरुकुल जो ऑफलाइन बच्चे हम 85 रखते हैं, उनमें भी हम सुबह वो कैब पढ़ने के लिए ही बोलते हैं। सुबह 6 से 7 उनको उठा दिया जाता है, ठीक है, 6 से 7 फ्रेश टाइम, 6 बजे उठा दिया जाता है, 7 से लेकर के 8:30 बजे तक 1.5 घंटा वो कैब ही पढ़ते हैं, 1.5 घंटा वो कैब पढ़ते हैं। आपकी क्लास 8 बजे होगी वो कैब की, डेली सुबह लाइव रहा करो भाई, उठने की आदत डालो, सुबह 8 बजे पूरी 10,000 वो कैब आपको याद करवाई जाएगी, और जो पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर वो कैब नहीं आएगा, गारंटी है। चलो सुनो, 7th राइट 17th राइट, बच्चे राइट राइट क्या होगा, देखो 7th राइट 17th राइट, हिंदी मीडियम स्टूडेंट बच्चे, दाएं से 17वां, दायां 7वां, दाएं से 17वां, दायां 7वां, दायां दायां सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। अब बच्चे सेम अगर दिखाई दे तो माइनस होगा, 17 में से 7 गए 10, यहां पर राइट आएगा या लेफ्ट आएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर राइट आएगा या लेफ्ट आएगा, ये क्या बताएगा, फ्रॉम बताएगा, फ्रॉम राइट दिया है तो यहां राइट आएगा, दाएं से बताएगा, पिछले क्वेश्चन में बाएं से था इसलिए बायां आया, फ्रॉम लेफ्ट था इसलिए लेफ्ट आया, इस क्वेश्चन में दाएं से था तो इसलिए दायां आया, फ्रॉम राइट था इसलिए राइट आया, 10th राइट। बच्चे शुरुआत से 10वें नंबर पे नहीं पूछ रहा, जो बच्चे जे कमेंट कर रहे हैं, शुरुआत से 10 नंबर पे नहीं पूछ रहा, लास्ट से 10 नंबर पे। फीस कितनी है सर मुखर्जी नगर रीजनिंग स्पेशल की? रीजनिंग स्पेशल मुखर्जी नगर की फीस है बच्चे 7,000, जिसमें कंप्लीट रीजनिंग करवाई जाती है। बाकी यहां देखो, 10th राइट दाएं से, जैसे ही राइट आया 27 में से माइनस करना है, 27 में से 10 गए 17, और सेक्टर 17 में क्यों जाना है, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, अरे भाई यहां यही, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट, इतना जोर क्यों दे रहा हूं इस दाएं से और फ्रॉम राइट पे, क्योंकि इसी पे तो रिजल्टेंट डिपेंड करेगा। अरे स्पीड में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, पहले कंसेप्ट समझो बच्चे। ये राइट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड कर रहा है कि 27 में से माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, 27 में से माइनस किया 10, 17 सेक्टर 17 में क्यों? सर एसएससी क्लियर नहीं हो रहा, क्या करूं? सर अगर एसएससी क्लियर नहीं हो रहा तो भाई हमारे पास आ जाओ, हमारे अकॉर्डिंग चल लो, गारंटी है, बट हमारे अकॉर्डिंग चल लो। देखो दो चीजें बोली, हमारे पास आ जाओ और हमारे अकॉर्डिंग चल लो, ठीक है, बस फिर गारंटी है। फ्रॉम राइट अगर आए तो कितने में से माइनस करना है, 27 में से। अगले क्वेश्चन का जवाब देना जल्दी से, जल्दी। बहुकाली भैया, सर हम बहुत बड़े फैन हैं, आज लाइव मिले,
डेली लाइव रहो भाई, डेली लाइव मिलूंगा मैं। रैंकर्स गुरुकुल की फीस डिफरेंट है, रैंकर्स गुरुकुल डिफरेंट कंसेप्ट है, मुखर्जी नगर की कोचिंग डिफरेंट कंसेप्ट है। रैंकर्स गुरुकुल में तो हमारे साथ ही रखा जाता है बच्चों को। 27 से क्यों माइनस किया, बहुत अच्छी बात पूछी। देखो बच्चे, एन प्लस वन से माइनस किया जाता है, लेटर होते हैं 26, एन प्लस वन 27, और ना केवल लेटर, किसी की भी, किसी भी बंदे की पोजिशन भी देख लो। देखो एक बार मैं प्रैक्टिकल बता देता हूं, मान लो कुछ चेयर रखी हुई है, ठीक है, चेयर कितनी है, 3, 3, 6 और 2, 8, 8 चेयर रखी हुई है, ठीक है, और मान लो ये लेफ्ट से तीसरे नंबर पे चेयर है और ये मुझे राइट से पता करनी है, ये लेफ्ट से तीसरे नंबर पे है, राइट से पता करनी है, तो 8 चेयर है, एन प्लस वन 8 और 1, 9, 9 में से 3 माइनस कर दो 6, तो ये राइट से कितने नंबर पे मिलेगी, यही पोजीशन, यही पोजीशन राइट से कितने नंबर पे मिलेगी, 6 पे मिलेगी। देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिली, तो 8 चेयर थी तो एन प्लस वन, 26 लेटर हैं तो एन प्लस वन, 26 लेटर एन प्लस वन, एन प्लस वन 26 प्लस 1 27, इसलिए माइनस किया जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है भाई, क्लियर। चलो यहां देखो, 8th लेफ्ट बोला और 10th राइट बोला, बच्चे 8th लेफ्ट बोला 10th राइट बोला, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, दाएं से 10वां बोला, बाएं से 8वां बोला, दायां बायां प्लस होगा, दायां बायां प्लस होगा, 10 और 8, 18, फ्रॉम राइट बोला तो राइट आएगा बच्चे, यहां फ्रॉम राइट बोला तो राइट आएगा बच्चे, दाएं से बोला तो दायां आएगा, और दाएं से बोला तो दायां आएगा, और दायां आएगा मतलब फ्रॉम राइट, मतलब 27 में से माइनस कर दो, 27 में से 18 गए 9, 9 पे क्या होगा, आई नो, मैं जानता हूं आई नो कि आप नहीं जानते, आई नो कि आप नहीं जानते, मैं जानता हूं कि आप नहीं जानते, आई मतलब 9 नंबर पे है, ठीक है। पेड बैच की क्लास कल से लाइव चलेगी, पेड बैच की जो क्लास है लाइव चलेगी, सौरभ राजपूत बताऊंगा बच्चे, एक बार मैं कंसेप्ट सिखा दूं, सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा मैं, एक बार पहले कंसेप्ट सीख लो, जल्दी बताओ। देखो जल्दी बताओ जल्दी, 9th राइट बोला, 10th लेफ्ट बोला, हिंदी मीडियम, बाएं से 10वां बोला तो बाएं से 10वां ले लिया, दाएं से 9वां बोला तो दाएं से 9वां ले लिया, अरे बच्चे बाएं से 10वां बोला बाएं से 10वां ले लिया, दाएं से 9वां बोला दाएं से 9वां ले लिया, लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस 19, अभी लेफ्ट होगा या राइट होगा, ये 19 लेफ्ट होगा या राइट होगा, 19 लेफ्ट होगा, फ्रॉम लेफ्ट बोला है बच्चे, फ्रॉम लेफ्ट बोला है, बाएं से बोला है तो यहां बायां आएगा, दाएं से बोला होता तो दायां आता, क्या फ्रॉम लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट आएगा, तो क्या 27 में से माइनस करेंगे, बोलो यस और नो, करेंगे कि नहीं बताओ, नहीं करेंगे, अगर ये राइट हुआ तो 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस नहीं करेंगे, अभी अभी नहीं करेंगे, तो 19 लेफ्ट, 19 पे क्या होता है, एस होता है, 19 पे क्या होता है, एस होता है, क्लियर हुआ, 19 पे एस होता है, अगर क्लियर है तो थम्स अप करो फटाफट जल्दी से, चलो बताओ इसके, क्लियर है तो जल्दी थम्स अप करो, चलो बहुत बड़े भाई यहां तक क्लियर है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम कंडीशन भी लगाएंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन में, सबसे हम पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेफ्ट और राइट, सबसे पहले लेफ्ट और राइट, फिर ये देखेंगे कि लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा,
एक बार कॉम्बो बैच के बारे में बता दूं, कई बच्चे पूछ रहे थे, ठीक है। 25 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट है, मेरी क्लास कल से स्टार्ट है। कॉम्बो बैच मतलब मैथ स्पेशल आदित्य रंजन से पढ़ाएंगे, अनिल जानू सर आपके इंग्लिश स्पेशल पढ़ाएंगे। दोनों टॉपर भी हैं, दोनों टीचर भी हैं, दोनों ने टॉपर बनाए भी हैं, खुद भी टॉपर, टॉपर बनाए भी हैं। बड़े जबरदस्त मार्क्स इनके हैं, बड़े जबरदस्त मार्क्स इनके हैं, पूरे के पूरे मार्क्स मैथ्स में इनके, पूरे के पूरे मार्क्स इंग्लिश में इनके हैं। मैं अपने बारे में तो बताऊंगी क्या, हम तीनों स्पेशल पढ़ाएंगे जो कि 25 अक्टूबर से लाइव चल रहा है। 25 से इंग्लिश और मैथ की क्लास हो रही है, मेरी क्लास कल से स्टार्ट है। इसके लिए आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, या फिर आप वेबसाइट से लैपटॉप से पढ़ सकते हो, live.vikramjit.in, ठीक है। एप्पल के फोन में भी live.vikramjit.in से पढ़ सकते हो। मात्र 1699 मतलब 1700 रुपए में कंप्लीट कॉम्बो, तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बो, ठीक है। एप्लीकेशन पर आप अकेले रीजनिंग स्पेशल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 25 अक्टूबर यानी कि कल से स्टार्ट। अब आप कहोगे कल तो 25 अक्टूबर है नहीं, मैंने कहा ना मैथ्स इंग्लिश 25 से स्टार्ट होगी, रीजनिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए भी आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, फीस अभी इतनी ही है, ठीक है, जिसमें UPSI SSC बैंक सारे एग्जाम को टारगेट किया जाएगा। अभी एक बच्चे का कमेंट आया कि यूट्यूब पे फाउंडेशन पढ़ा रहे हो तो कंप्लीट पढ़ाओगे? हाँ बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो फिर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एक डिफरेंट माहौल है, आ जाओ। अब इसका जवाब दो, इसका जवाब कई बच्चों ने कहा 18th राइट 12th लेफ्ट, 18th राइट 12th लेफ्ट। अरे बच्चे, बाएं से 12वां और दाएं से 18वां, बाएं से 12वां और दाएं से 18वां, दायां बायां होगा बच्चे प्लस, दायां बायां होगा प्लस, ठीक है। 18, 12, 30, बाएं से बोला है बच्चे, फ्रॉम लेफ्ट बोला है, क्या बोला है मैंने, बाएं से बोला है तो लेफ्ट आएगा। और 99% टीचर्स ने गलत बता दिया तो स्टूडेंट की क्या गलती, स्टूडेंट तो गलत बता नहीं है, है ना। 30 लेफ्ट, तीसरे नंबर पे, 30 नंबर पे, 30 नंबर पे सारे स्टूडेंट डी 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 बोल रहे हैं, सब सोचे जेड 26 नंबर पे और ए फिर से घूम के 27 नंबर पे, बी 28 नंबर पे, सी 29 नंबर पे, डी 30 नंबर पे। अरे मैंने कहा ना 99% टीचर्स ने गलत बता दिया तो स्टूडेंट की क्या गलती है। अरे बच्चे, 30वें नंबर पे पूछा है ये 30 लेफ्ट, 30वीं पोजीशन बाएं से, 30वीं पोजीशन बाएं से, 30वीं पोजीशन, लेटर 26 है, 30वीं पोजीशन। थोड़ा सोचो, चेयर हमारे पास 26 है जिनके ऊपर 26 लेटर बैठाने हैं, 30वीं चेयर कहां से लेके आए भाई, है ही नहीं, 30वीं चेयर है ही नहीं। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड बच्चे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं बता सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब कोडिंग डिकोडिंग में जब मैं पढ़ाऊंगा तब क्यों ये वापिस से डी पे पहुंच जाते हैं, वो वहां पर जवाब दूंगा। तो इसका जवाब आया कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं बता सकते। मैक्सिमम स्टूडेंट ने गलत जवाब दिया पढ़ाने के बाद भी। बच्चे 26 लेटर हैं, 26 ही पोजीशन होती हैं भाई, 27वें पे कोई नहीं होता यार। आप मेहनत करके 10,000 बच्चों में फर्स्ट रैंक लेके आओ, मेहनत करके 10,000 बच्चों में फर्स्ट रैंक लेके आओ, और मैं आपको ये कह दूं कि तेरी तो रैंक 10,000 एक है, कितना बुरा लगेगा ना। बच्चे 10,000, रैंक 10,000 एक, पोजीशन 10,000 एक, कैसे पॉसिबल है? लेटर 26, पोजीशन 30वीं, कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है भाई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, ठीक है। ऑप्शन में यही होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, टेंशन ना लो, आया हुआ क्वेश्चन है, चलो नहीं बता सकते भाई। नेक्स्ट देखो भाई, बताओ तो फिर जल्दी बताओ, अब थोड़ा स्पीड भाई, अब बेसिक कंसेप्ट मैंने सिखा दिया। जिस जिसने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, शेयर पे क्लिक करके व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, या कहीं भी व्हाट्सएप पे या ग्रुप में शेयर किया, वो डन का कमेंट करो, डन,
हो गया, फिर मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, दुआ दूंगा। चलो देखो कराऊंगा कराऊंगा नया इस टाइप के। और एट्थ लेफ्ट बोला, 24th लेफ्ट बोला, अरे बाएं से 24वां और बाएं से 8वां, लेफ्ट राइट प्लस या माइनस, लेफ्ट राइट प्लस होगा बट लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा। सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, 24 में से 8 गए 16, 16 लेफ्ट आएगा क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट बोला था। बार बार बता रहा हूं कि फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से अगर आए तो बायां आएगा और बायां आएगा 16, लेफ्ट क्या होगा पी। एक बात याद रखना, पेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन, जितना ज्यादा पेन यूज करोगे उतने कम चांसेस हैं सिलेक्शन के। इसका मतलब ये नहीं है कि नोट्स मत बनाओ, एग्जाम में पेन यूज कम करना है, सब विदाउट पेन माइंड में होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है ओवर स्मार्ट मत बनाना, नोट्स बना लेना, ठीक है। सुनो, एट्थ लेफ्ट 24th लेफ्ट, माइंड में करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट भाई माइनस होगा, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस होगा, 24 में से 8 गए 16, फ्रॉम लेफ्ट बोला हिंदी मीडियम, बाएं से बोला तो 16 लेफ्ट आएगा, 16 बाएं आएगा, 16 नंबर पे पी, पी को उल्टा करके देखो 6 दिखाई दिया मतलब 16 नंबर, एफ को उल्टा करके देखो 6 दिखाई दिया मतलब 6 नंबर। एक बार पूछो आपसे पोजीशन, शुरू में याद कराई थी, बताओ एक बार सारे नारे लगाओ। जी मेरे बोलने से पहले 7, एच 8, आर 18, एम 13, डब्ल्यू 23, एल 12, वी 22, के 11, किंग सेलोन पंजाब, क्यू सेक्टर 17 में क्यू जाना है रानी क्वीन 17, यू आपकी उम्र 21, आए नो मैं जानता हूं आए नो, एस 19, एफ उल्टा करके देखो 6, पी 16। ऑफलाइन क्लास कहाँ है बच्चे? ऑफलाइन क्लास में मुखर्जी नगर पढ़ाता हूँ, बत्रा सिनेमा हॉल के सामने, दुर्गा हॉस्पिटल के बगल में। वैसे ऑफलाइन मुखर्जी नगर आओगे तो हर जगह आपको विक्रमजीत नाम सुनाई दे जाएगा, तो आपको मिल जाएगी मुखर्जी नगर में कदम रखते ही। मुखर्जी नगर में कंबाइन बैच, एक ही बैच में, मुखर्जी नगर क्या ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, कभी भी किसी का कंबाइन बैच, कंबाइन बैच का मतलब होता है एसएससी स्पेशल यूपीएससी स्पेशल, मतलब एक ही बैच में सारे सब्जेक्ट, वो ज्वाइन कभी भी मत करना। कंबाइन बैच ज्वाइन करने से बच्चे को एक ही पता चलता है, बस एक चीज सीखने को मिलती है कि मुझे कंबाइन बैच ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। मैं जो कॉम्बो बता रहा हूँ वो कंबाइन नहीं है, वो रीजनिंग स्पेशल, मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल है। वो आप रीजनिंग स्पेशल ज्वाइन करोगे, मैथ स्पेशल ज्वाइन करोगे, इंग्लिश स्पेशल ज्वाइन करोगे, वो कंबाइन नहीं है। रीजनिंग अलग चलेगी, मैथ्स अलग टाइम पे चलेगा, इंग्लिश अलग टाइम पे चलेगी, अलग अलग स्पेशल है, बस उसमें फीस कम है, बस इतना फर्क है। बाकी वही रीजनिंग स्पेशल चलेगा, वही मैथ स्पेशल, वही इंग्लिश स्पेशल, ठीक है। चलो इस पे नेक्स्ट, जल्दी से, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी भाई, बहुत जल्दी। नहीं कहीं पर भी मेरी ब्रांच नहीं है भाई, मैं सामने फेस टू फेस ही पढ़ाना पसंद करता हूँ, या फिर ऑनलाइन पढ़ाऊँ, ब्रांच में नहीं, या तो फेस टू फेस मुखर्जी नगर या ऑनलाइन, ऑनलाइन एप्लीकेशन यूट्यूब दोनों। फोर्थ राइट 19th राइट, फोर्थ राइट 19th राइट, दाएं से 19वां दायां चौथा, दाएं से 19वां दायां चौथा, दायां दायां माइनस, 19 में से 4 गए 15, राइट आएगा भाई, फ्रॉम राइट इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम राइट दाएं से इंपॉर्टेंट है। 27 में से 15 गए 12 और 12 पे क्या होगा एल, माइंड में करते हैं, अरे राइट राइट दिखाई दिया, 19 में से 4 गए 15, राइट आया फ्रॉम राइट दाएं से बोला, 27 में से 15 गए 12 और 12 पे एल, दो लाइन मतलब 12, वी दो लाइन मतलब 22। बोलो यहां तक क्लियर, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जवाब दो जल्दी। फोर्थ लेफ्ट 12th राइट, माइंड में लेफ्ट राइट प्लस करेंगे 12 और 7 19, फ्रॉम राइट दिया है दाएं से दिया है 19, 27 में से 19 गए 8 और 8 पे क्या होगा एच,
सेवंथ लेफ्ट, ट्वेल्थ राइट, लेफ्ट राइट क्या होगा प्लस, 12 और 7 19 राइट होगा क्योंकि फ्रॉम राइट दिया है, दाएं से दिया है, 27 में से 19 गए 8, और 8 पे क्या होगा H, 8 पे क्या होगा H, ठीक, क्लियर हुआ, बोलो यस और नो, थोड़ा लेवल बढ़ाऊं, बोलो यस और नो, बताओ तो क्लियर हुआ तो इसका जवाब दो जल्दी फटाफट, कुछ क्वेश्चन थोड़े स्पीड में, टाइम अप भाई टाइम अप, बस बहुत है, इतना टाइम बहुत है, 8 राइट 11 लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होगा प्लस 19, फ्रॉम क्या दिया है, इस फ्रॉम पे बहुत ध्यान देना, बाएं से पे बहुत ध्यान देना, फ्रॉम लेफ्ट, क्या 27 में माइनस करेंगे, नहीं करेंगे 27 में से नहीं करेंगे, क्योंकि राइट होता तो माइनस करते, 19 लेफ्ट और 19 लेफ्ट पे क्या होगा एस, ठीक एस, बिल्कुल सही जवाब, नेक्स्ट जल्दी जवाब जल्दी, और जिस बच्चे ने शुरुआत से क्लास नहीं देखी है, क्लास खत्म होने के बाद शुरुआत से जरूर देख लेना, बार बार रिवीजन करना, नोट्स बनाना, दो तीन बार जहां पर भी नोट्स में डाउट आए फिर से क्लास को देखना, फिर क्लास रिवीजन करना, क्लास खत्म होने के बाद 2x की स्पीड में एक बार फिर से रिवीजन करना, पहले 2x की स्पीड में नहीं समझ में आया 1.5x की पे करना, फिर तीसरी बार रिवीजन करो, फिर 2x की स्पीड में करना, बट रिवाइज बार 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 माइंड में फिट, सुनो बहुत टाइम, 15th राइट 17th लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होगा प्लस, लेफ्ट राइट क्या होगा प्लस, 32 लेफ्ट आएगा, अरे भाई फ्रॉम लेफ्ट दिया है, बाएं से दिया है, ये तो 26 से ज्यादा चला गया, 26 से ज्यादा चला गया, बहुत बढ़िया, अब की बार सारे बच्चे सीएनडी बोल रहे हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं बता सकते क्योंकि लेटर 26 है, नहीं बता सकते क्योंकि लेटर 26 है, नहीं बता सकते, तो कल की क्लास में भी सारे लाइव रहोगे, बोलो यस और नो, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, देखो यार सिंपल सी बात है, पार्ट वन पढ़ने का तब फायदा जब पार्ट टू पढ़ो, और पार्ट टू पढ़ने का भी तब फायदा जब पार्ट वन पढ़ो, है ना, तो आज पहली क्लास है तो अगली क्लास में भी सारे बच्चे लाइव रहेंगे, है ना, साथ में देखो बैच आपकी मर्जी, एप्लीकेशन पर लो ना लो ये आपकी मर्जी है, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, ठीक है, ऑब्वियसली बात है एप्लीकेशन पे यूट्यूब से डिफरेंट चीजें तो होंगी, बट यूट्यूब पे फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया तो पूरा पढ़ाऊंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, फिर भी एप्लीकेशन पे माहौल डिफरेंट होता है, भटकते नहीं है, एक बार जैसे जिम ज्वाइन कर लिया तो एक्सरसाइज हो ही जाती है, घर में डंबल लिया है तो कभी ना एक्सरसाइज होती, वो आप पे डिपेंड करता है, बट ये मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा, ये आपको लेनी ही लेनी है, ये आपको लेनी ही लेनी है, कंपलसरी है, ये मैंने अपनी जी जान लगा करके बुक लिखी है, जो कि एक ही बुक में तीन चीजें हैं, मेरे सारे कंसेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, यही इसी कंसेप्ट से मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर ना, सिर्फ 18, 19, 20, 21 के, मतलब 18 से पहले के 95% बुक, मेरे पास 27 बुक है जिनकी दिखाऊंगा एक दिन, 27 बुक्स में से 95% बुक 2016, 15, 2006, 2005 के क्वेश्चन रखी हुई है, 2018 के बाद के सारे क्वेश्चन है, लेटेस्ट मॉक टेस्ट है अक्टूबर 2021 तक, अरे यार अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर तक अपडेट किया है, इवन टाइपिस्ट को यह भी बोला था कि आज जो एग्जाम है ना आज का भी टाइप करो, सबसे लेटेस्ट आनी चाहिए, बाईलिंगुअल बुक है ये, 6500 तो सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसके अलावा मॉक टेस्ट के क्वेश्चन अलग है, गारंटेड इसीलिए 50 out of 50 लिखा, प्री ऑर्डर है, प्री ऑर्डर मतलब प्रिंटिंग से पहले प्री ऑर्डर है, जो कि कम पैसे में है, उसके लिए आपको आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर पहला फॉर्मेट, एक बच्चे का व्हाट्सएप आया, बोला गुरुजी मेरे पैसे कट गए, बुक नहीं आई,
मतलब बुक नहीं है, उसको लगा कि बुक ऑर्डर की और उसी टाइम मिल जाएगी। अरे भाई ऑर्डर करोगे फिर मैं डिलीवर करवाऊंगा आपके पास, ले अभी प्रिंटिंग पे गई हुई है, टाइम लगेगा ज्यादा नहीं, 5 से 7 दिन बस, तो बाद में फिर बाद में करोगे पैसे बढ़ जाएंगे। अभी प्री ऑर्डर लगाया हुआ है आरजी विक्रांत एप्लीकेशन पर, इसको अभी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि प्री ऑर्डर सिर्फ 2000 स्टूडेंट के लिए है, मतलब फीस मतलब बुक की प्राइस कम 2000 स्टूडेंट के लिए है। बट ये मैं स्ट्रिक्टली खुद से बड़े भाई के तौर पर रिकमेंड कर रहा हूं, लेनी ही लेनी है, कंपल्सरी है, ये लगा लो मेरी तरफ से कि भाई लेनी है, आपका मन ना करे ना तो भी लेनी है, वरना आपके एग्जाम में पता चल जाएगा। आ जाओ अब देखो, ये थोड़ा सा बदलाव कर दिया इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा बदलाव कर दिया। रैंकर्स गुरुकुल में सीट तो शायद 10 के करीब बची हुई है अभी। रैंकर्स गुरुकुल की इंक्वायरी में देखो बहुत लंबी इंक्वायरी है, इसलिए कल कॉल कर लेना इस नंबर पे, ठीक है, इंक्वायरी यहां नहीं दे पाऊंगा, इस नंबर पे कल कॉल कर लेना, ठीक है, रैंकर्स गुरुकुल के बारे में। आ जाओ, हाँ देखो क्या किया मैंने, फोर्थ राइट बोला मैंने, सिक्स्थ लेफ्ट बोला मैंने और 10th राइट बोला मैंने। हिंदी मीडियम दाएं से दसवां लिख लिया भाई, बाएं छठा बायां लिख लिया भाई, चौथा दायां ये भी लिख लिया भाई, ठीक है। अब सुनो देखो, सिंपल सा फंडा है भाई, अब आपके मन में ये रहता है कि गुरुजी पहले ये सोल्व करें या ये सोल्व करें, तो भाई पहले कोई भी सोल्व कर लेना, बट फ्रॉम राइट वाला पहले सोल्व करोगे या फ्रॉम लेफ्ट वाला, मतलब फ्रॉम वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम वर्ड वाला, फ्रॉम वर्ड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम वाला पहले सोल्व करना। 10th फ्रॉम राइट, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम स्टूडेंट दाएं से दसवां, दाएं से दसवां या बाएं से दसवां, से वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाएं से दसवां, दाएं से दसवां, ठीक है, ये पहले सोल्व करेंगे। इसको चाहे इसके साथ सोल्व कर लो, इसको चाहे इसके साथ सोल्व कर लो, किसी के साथ सोल्व कर लो, बट ये साथ में जरूर रखना है, क्योंकि फ्रॉम वर्ड रिजल्टेंट बताता है। लेफ्ट राइट क्या होगा, ऑब्वियसली इन दोनों को सोल्व कर रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन ढंग से समझ लो इस टाइप का। लेफ्ट राइट क्या होगा, लेफ्ट राइट 10th और 6th, 10 और 6 16, फ्रॉम राइट है तो फ्रॉम राइट ही चलेगा, फ्रॉम राइट है तो राइट ही चलेगा। अब इन दोनों को सोल्व करो, राइट राइट क्या होगा माइनस, बच्चे राइट राइट क्या होगा माइनस, 16 राइट फोर्थ राइट, 16 राइट राइट क्या होगा माइनस 12 राइट, उसके बाद 27 में से माइनस कर दो, 27 में 12 गए 15, और 15 पे क्या होगा ओ, ओ इज द राइट आंसर। दोबारा सुनो भाई, दोबारा बताऊंगा आपको, क्लियर हो गया तो भी बताऊंगा, सुनो ध्यान से। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो डेटा लिख लेना है, दाएं से दसवां बोला दाएं से दसवां लिख लिया, छठा बायां बोला छठा बायां लिख लिया, चौथा दायां बोला चौथा दायां लिख लिया, से वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, से वर्ड दाएं से बोला तो दाएं से दसवां, छठा बायां, दायां बायां प्लस 16, ठीक है, उसके बाद 16 राइट आया क्योंकि दाएं से बोला था, फ्रॉम राइट बोला था, फ्रॉम राइट बोला था, दाएं से बोला था। अब 16th राइट फोर्थ राइट, राइट राइट माइनस 12th राइट, 27 में से 12 गए 15, और 15 पे क्या होगा ओ, 15 पे क्या होगा ओ, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर और नोट, बोलो यस और नो। कृष्णा तिवारी बिल्कुल, फाउंडेशन बेस तीनों सब्जेक्ट के कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है, हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए, रीजनिंग स्पेशल, मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल की एक ही कहानी है शुरू से लेकर के आज तक, कि जो पढ़ाया जाएगा परफेक्शनिस्ट आएंगे, वरना आएंगे ही नहीं, ठीक है, वरना जीएस लॉन्च करनी होती तो यार अब तक मैं जीएस को लॉन्च नहीं कर देता। अगर किसी से भी पढ़वाना होता, जैसे हर यूट्यूब चैनल 24-24 घंटे लाइव बैठे रहते हैं, किसी से भी पढ़वाना होता तो जीएस 24 घंटे नहीं चला सकता मैं, लेकिन जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ ये टीम मुखर्जी नगर की सबसे एक्सपीरियंस्ड और एक्सपीरियंस के साथ साथ
बड़ी डिटेल में पढ़ाने वाली टीम है, इसीलिए इंग्लिश मैथ्स तीनों बड़ी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, बस तीनों रहेंगे, बट यानी कि जो पढ़ाया जाएगा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, यस क्लियर, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कुछ का क्लियर है कुछ का नहीं क्लियर है, एक बार फिर से फिर अगले क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो फोर्थ राइट बोला फोर्थ राइट, सिक्स्थ लेफ्ट बोला सिक्स लेफ्ट, टेंथ राइट बोला टेंथ राइट, लेफ्ट राइट प्लस होगा, लेफ्ट राइट प्लस ही तो होता है यार, दस और छह सोलह, सोलह राइट, फोर्थ राइट सिक्सटीन राइट, ट्वेल्थ राइट सत्ताईस में बारह गए, पंद्रह पंद्रह पे ओ, इसका जवाब दो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो रैंकर्स गुरुकुल, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो रैंकर्स गुरुकुल, पीडीएफ तीनों टीचर्स की पीडीएफ मिलेंगी, रीजनिंग मैथ इंग्लिश तीनों। विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, एट टू द लेफ्ट ऑफ, एटींथ फ्रॉम राइट, हिंदी मीडियम, दाएं से अठारवां, दाएं से अठारवां लिख लिया, दसवां दायां, एक सेकेंड, अच्छा ये चार चार डेटा है, एक और डेटा रह गया इंग्लिश में, एक और डेटा रह गया, तभी तो दसवां दायां कहां से आ गया, इंग्लिश में एक और डेटा रह गया, फोर्थ लेफ्ट लिख लिया, एट्थ लेफ्ट लिख लिया, टेंथ राइट, एक और डाटा आ गया भाई, टेंथ राइट लिख लिया, एटींथ राइट, एक और डाटा आ गया, तो मजा आने वाला है, चार डाटा आ गए, एटींथ राइट लिख लिया, दोबारा सुनो, फोर्थ लेफ्ट बोला फोर्थ लेफ्ट लिख लिया, एट्थ लेफ्ट बोला एट्थ लेफ्ट लिख लिया, टेंथ राइट बोला टेंथ राइट लिख लिया, एटींथ राइट बोला एटींथ राइट लिख लिया, हिंदी मीडियम, दाएं से अठारवां बोला दाएं से अठारवां लिख लिया, दसवां दायां बोला दसवां दायां लिख लिया, आठवां बायां बोला आठवां बायां लिख लिया, चौथा बायां बोला चौथा बायां लिख लिया, फ्रॉम वर्ड इंपोर्टेंट है, से वर्ड इंपोर्टेंट है, दाएं से बोला अठारवां तो पहले वो सोल्व करेंगे, फ्रॉम राइट बड़ा इंपॉर्टेंट है पहले ये सोल्व करेंगे, राइट राइट क्या होगा जल्दी, माइनस या प्लस, राइट राइट क्या होगा, हाँ बिल्कुल राइट राइट माइनस होगा, फ्रॉम राइट बोला तो राइट ही चलेगा लास्ट तक, अब ये और ये सोल्व करेंगे, लेफ्ट राइट क्या होगा प्लस, लेफ्ट राइट क्या होगा प्लस, आठ आठ सोलह, फ्रॉम राइट ही चलेगा लास्ट तक, यहां पर लेफ्ट राइट क्या होगा प्लस, लेफ्ट राइट क्या होगा प्लस, लेफ्ट राइट क्या होगा प्लस, तो 20 राइट ही चलेगा लास्ट तक, कितने में से माइनस करना है 27 में से, 27 में से 20 गए 7, और 7 पे क्या आंसर आएगा जी, दोबारा सुनो भाई, कुछ बच्चों के गलत जवाब आए हैं, दोबारा सुनो, देखो देख मेरे भाई, दाएं से 18वां था पहले ये सोल्व करेंगे, फ्रॉम राइट था पहले ये सोल्व करेंगे, राइट राइट माइनस होगा, राइट राइट माइनस होगा एट्थ राइट, फिर इसको सोल्व करेंगे इसके साथ, लेफ्ट राइट प्लस होगा सिक्सटीन्थ राइट, फिर इसको सोल्व करेंगे इसके साथ, लेफ्ट राइट प्लस होगा ट्वेंटी राइट, सत्ताईस में से माइनस करेंगे, सत्ताईस में से बीस गए सात, और सात पे क्या होगा जी, बोलो क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, चलो बहुत बढ़िया भाई, क्लियर तो ये जवाब दो, अगर क्लियर तो ये जवाब दो, देखो फोर्थ राइट बोला फोर्थ राइट लिख लिया भाई, एट्थ क्या बोला राइट तो एट्थ राइट लिख लिया भाई, फोर्थ क्या बोला लेफ्ट तो फोर्थ लेफ्ट लिख लिया भाई, टेंथ क्या बोला लेफ्ट तो टेंथ लेफ्ट लिख लिया भाई, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, बाएं से क्या बोला दसवां, बाएं से दसवां लिख लिया भाई, चौथा बायां बोला चौथा बायां लिख लिया भाई, आठवां दायां बोला आठवां दायां लिख लिया भाई, चौथा दायां बोला चौथा दायां लिख लिया भाई, बाएं से पहली बार बोला तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस, दस में से चार गए छह, लेफ्ट होगा, फ्रॉम लेफ्ट है लास्ट में, फ्रॉम लेफ्ट है लास्ट में तो लेफ्ट ही तो चलेगा, लेफ्ट राइट प्लस होगा, लेफ्ट राइट प्लस होगा आठ और छह चौदह लेफ्ट, यहां फिर से लेफ्ट राइट प्लस होगा, फिर से लेफ्ट राइट प्लस होगा 18 लेफ्ट,
बिना कॉपी पेन सोल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स जरूर बनाना, ओवर स्मार्ट मत बनना, बिना कॉपी पेन आंसर निकाल दो बट नोट्स जरूर बनाना। 18 लेफ्ट, 18 पे क्या होगा, आर इज द राइट आंसर। एसएससी जीडी की मैराथन लेकर के आओ प्रमोद कुमार, एक मैराथन ली हुई है ऑलरेडी तीनों सब्जेक्ट की, वो मैराथन अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मैराथन इंग्लिश की, मैथ की, जीएस की 12 आवर्स की, 12 घंटे की मैराथन है, उससे आप फास्ट रिवीजन कर सकते हो, जिसमें पूरी रीजनिंग, पूरा मैथ और पूरी इंग्लिश का रिवीजन है 12 घंटे का, ठीक है, फास्ट अगर रिवीजन करना है। फाउंडेशन है तो बड़े आराम से बड़ी डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे उम्मीद करूंगा एक आपका प्यारा सा कमेंट, जिसकी मुझे उम्मीद है जिन कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा कि आपको क्लास कैसी लगी, कैसे कैसे तरीके से आप सीखने को मिला, क्या क्या लगा, आपकी दिल की सारी भावनाएं लिख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के लास्ट में जब खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट जरूर करना, आपके सारे कमेंट मैं पढ़ूंगा, खुद रिप्लाई करूंगा, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो वो भी जरूर बताना, उसका भी मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। केरला में भी बुक डिलीवर हो जाएगी भाई, ऑल ओवर इंडिया में बुक डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, थोड़ी ये है कि केरला साइड, साउथ इंडिया साइड थोड़ा टाइम लग सकता है, बट बुक हर जगह पहुंचेगी। आप आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां से आप बुक परचेज कर लो, ठीक है। चलो डन भाई, क्लियर हुआ यहां तक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पे ही आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, रीजनिंग स्पेशल जो बैच लॉन्च हुआ है, ठीक, आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर, क्योंकि एप्लीकेशन पर सिर्फ और सिर्फ वीडियोज आपको वही दिखाई देंगी कंटेंट से रिलेटेड, जिसमें प्रिंटेबल नोट्स, पीडीएफ सब कुछ रहेगा, कंप्लीट सिलेबस विद कंसेप्चुअल ट्रिप, अपडेटेड कंटेंट रहेगा, क्लास नोट्स रहेगा, प्रैक्टिस सीट रहेगी, रीजनिंग ग्रुप पीडीएफ रहेगी, लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी, अपडेटेड कंटेंट इवन आफ्टर बैच। ये रीजनिंग ग्रुप, पहले वाली जो रीजनिंग ग्रुप थी उसकी पीडीएफ मिलेगी, अभी जो लेटेस्ट नई बनाई है वो तो 3-in-1 है, जिसमें कंसेप्ट भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, वो सिर्फ ऑफलाइन डिलीवर होगी, ठीक है। अपडेटेड कंटेंट इवन आफ्टर बैच, बैच खत्म होने के बाद भी अपडेटेड कंटेंट, अगर कुछ बदलाव होता है वो आपको मिलता रहेगा। कॉम्बो बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, यही फैसिलिटी कॉम्बो बैच में रहेंगी, मैथ स्पेशल भी मिलेगा, इंग्लिश स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, आप कॉम्बो बैच दो सब्जेक्ट भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कॉम्बो की तरफ चलना, ठीक है। चलो डन है, तो इसका अगला जो पार्ट है वो कल रात को 10 बजे आएगा, तो कल रात को 10 बजे मैं आपका वेट करूंगा, आप भी शायद मेरा वेट करोगे, जिसमें मैं कंडीशन बदलूंगा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें कल सीखने को मिलेंगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसकी पीडीएफ रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पर मिल जाएगी, मैथ्स पढ़ाते हैं उनकी भी पीडीएफ रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पर आदित्य रंजन सर, और इंग्लिश पढ़ाते हैं अनिल जानदोन सर, उनकी भी पीडीएफ रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पर आपको मिलेगी। तो टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक द सेशन, उसके बाद कमेंट करके जरूर बताना अभी वीडियो खत्म होने के बाद। लव यू ऑल, साई ब्लेस यू, थैंक यू, बड़ा मजा आया, फाउंडेशन बैच चाहते थे आप, आपकी डिमांड पे आ गया, बट बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आप रेडी रहना।